दोस्तों, हम चीनी सामान में डूबे जा रहे हैं, कुछ इस तरह की जैसे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। देखिए, जिंदगी प्योर इकोनॉमिक्स नहीं होती, सब कुछ पैसे में नहीं होता, कुछ उसूल भी होते हैं। ये चीन के सामान को भी गुनाह से जुड़ी समझे, जैसा कि मैंने कहा, इसके पीछे अत्याचार है। तो 1-2 साल में सारे दुनिया के देश और अपने हमारे देश में ऐसे चीजें बनने लगेंगी कि हमें इसका याद भी नहीं होगा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचते थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन ए वीक, हार्डवेयर इन ए ईयर। So really, you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast. यह चर्चा को शुरू करने के लिए सोनम वांगचुक को धन्यवाद। यह चर्चा काफी समय से चल रही थी, लेकिन सोनम वांगचुक ने सेना चीन को जवाब देगी बुलेट से और नागरिक देंगे वॉलेट से, यह नारा देकर इसे एक अभियान के रूप दिया है। शुरू में मुझे भी लगा ये बहुत कठिन है, क्योंकि लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आज चीन में बनते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल न करना लगभग असंभव है। यहाँ तक कि टिकटॉक जैसे छोटे से ऐप का उपयोग बंद करना भी हमें मुश्किल लगता है। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च से यह स्पष्ट हो गया है कि हम आसानी से सभी चीनी ऐप्स को छोड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय मोबाइल ऐप्स बनाने में चीन से बहुत आगे हैं। भारतीय चीन से करीबन 10 गुना ज्यादा ऐप बनाते हैं। अगर चीन एक ऐप बनाता हो तो हम 10 ऐप बनाते हैं। मुझे पता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सच यही है। मैं आपको याद दिलाने के लिए कुछ भारतीय ऐप्स का नाम लूंगा, जैसे कि मेक माई ट्रिप फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए, गाना म्यूजिक के लिए, गो इबीबो फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए, और इससे आप गो कैश भी अर्न कर सकते हैं, जिससे आप उसी साइट में आपका टिकट भी बुक कर सकते हैं। बुक माई शो मूवी टिकट बुक करने के लिए, फ्री चार्ज, मोबी क्विक, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन्फीबीम, ओएलएक्स, क्विकर, हाइक जो एक फ्री कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप है, तीन पत्ती कार्ड गेम एंड ऑफ कोर्स पेटीएम। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत क्या अमेरिका भी चीन से आगे निकलने में फिलहाल सक्षम नहीं है, लेकिन भारत मोबाइल ऐप्स बनाने में चीन के तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मोबाइल ऐप्स बनाने में भारत चीन से बहुत आगे है। विश्व स्तर पर भी मोबाइल ऐप्स बनाने में भारत दूसरे स्तर पर है और अमेरिका पहले स्तर पर है। उम्मीद है कि वर्ष 2024 तक भारत अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा और सबसे ज्यादा ऐप बनाने वाला देश बन जाएगा। चीन का आइडिया यह है कि सभी अच्छे भारतीय ऐप बनाने वाले कंपनियों को खरीद कर दुनिया के नंबर वन ऐप्स निर्माता बनकर अमेरिका से भी आगे निकलना है। भारतीय ऐप्स यूनिक है। यदि आप वीडियो या मार्केटिंग कंटेंट बना रहे हैं या एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो आपको भारतीय ऐप पर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, फोर फन ऐप। आपको फोरफन ऐप पर YouTube से 100 गुना ज्यादा व्यूज मिलेंगे। अगर आपको YouTube में एक व्यू मिलता हो तो आपको फोरफन पर 100 व्यूज मिलेंगे, और अगर आपको YouTube में 100 व्यूज मिलते हो तो आपको फोरफन ऐप पर करीबन 10,000 व्यूज मिलेंगे। मैंने अपने दूसरे गूगल अकाउंट से फोरफन ऐप पर चार रैंडम वीडियोज अपलोड करके देखा और एक दिन में करीबन 2,000 व्यूज मिले। इसलिए यदि आप कंटेंट बना रहे हो तो आपको भारतीय ऐप पर होना बहुत जरूरी है। इंडियन रिसर्च और एनालिसिस विंग रॉ ने सेना के जवानों को 42 चीनी मोबाइल ऐप्स को तुरंत रद्द करने के लिए कहा है, और यहां तक कि अपने स्मार्टफोन को फॉर्मेट भी करने को कहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने चीनी ऐप्स को लिस्ट किया है। अगर आपको कोई और चीनी ऐप्स के बारे में पता हो तो प्लीज कमेंट में बता दीजिए। गूगल ने एड फ्रॉड और नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्ले स्टोर से ड्यू रिकॉर्डर जैसे अन्य चीनी ऐप्स को निकाल दिया है। रॉ रिपोर्ट के अनुसार दिए गए चीनी ऐप्स इस प्रकार है: वाइबो, वीचैट, शेयरिट, यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस, एप्स ब्राउजर, वंडर कैमरा, ईएस फाइल एक्सप्लोरर, फोटो वंडर, यू कैम मेकअप, वायरस क्लीनर, हाई सिक्योरिटी लैब्स, सीएम ब्राउजर, परफेक्ट कॉर्प, 360 सिक्योरिटी, क्लीन मास्टर, चीता मोबाइल, न्यूज डॉग, विवा वीडियो, क्यूयू वीडियो इंक, पैरेलल स्पेस, बाइडू ट्रांसलेट, बाइडू ऐप, वी सिंक, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू मेल, क्यूक्यू प्लेयर, क्यूक्यू न्यूज फीड, क्यूक्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यूक्यू लॉन्चर, डीयू ऐप स्टूडियो, डीयू बैटरी सेवर, डीयू क्लीनर, DU Privacy, DU Browser, DU Recorder, Mi Community, Vault Hide, Mi Store, Mi Video Call,
शाओमी, कैशे क्लिया। इसके अलावा और चीनी ऐप्स हैं अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, क्लब फैक्ट्री, बैंगुड, शाइन, गियर बेस्ट, टिकटॉक, लाइकी, क्वाई, बाइगो लाइव। हमें चीनी ऐप्स को कहना है जैसे कार्ल रॉक कहते हैं, नहीं चाहिए जी। चीनी ऐप्स के बदले हम अपने देश में बने हुए ऐप्स यूज कर सकते हैं या किसी और स्वतंत्र देश के ऐप्स यूज कर सकते हैं। और चाइनीज ऐप्स को निकालने के लिए बॉयकॉट चाइनीज ऐप डाउनलोड कीजिए और आपके सारे चाइनीज ऐप्स को निकाल दीजिए। So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, yeah. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't play the monster. No matter what you tell yourself, I should have known that we could never be friends. I hear you just thought we could, but we could never be friends. 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 You feel a type of way, well that's fantastic. Nothing to something and now it's drastic. Don't tell your friends, we're so done. It never ends, you having fun. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't be the monster. No matter what you tell yourself, हमें सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बात करेंगे किसी और मुद्दे पर। धन्यवाद।